बिसमिल्लाम असलकम स्टूडेंट क्लास नाइन्थ मैथ कर रहे हैं एक्सरसाइज़ हम कर रहे हैं फाइव पॉइंट वन आज इसका करना हमने क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर फोर में है स्टूडेंट हमारे पास पहला है थ्री एक्स स्केयर माइनस सेवेंटी फाइव वाई का स्केयर अब स्टूडेंट अगर हम देखें यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होगा वो होगा ए प्लस बी और a माइनस बी इक्वल है ए स्केयर माइनस बी स्केयर जब स्टूडेंट आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये बात याद रखिएगा सबसे पहले हम देखते हैं इसमें से कुछ कामन तो नहीं है अगर कामन है तो सबसे पहले हम उसमें से कामन लेंगे इन दोनों में देखें तो अगर हमारा देखें तो यहाँ पे थ्री जो है वो कामन आ जाता है यहाँ बच जाता है एक्स का स्केयर यहाँ गया ट्वेंटी फाइव वाई का स्केयर इस वैसे जो कामन है वो साथ चलता रहेगा अब इस फार्मूले को अप्लाई करें यहाँ पे देख लें ये हमारे पास है एक्स का स्केयर और 25 फाइव किसका स्केयर है फाइव वाई का स्केयर नेक्स्ट स्टूडेंट अब देख लें ये दोनों स्केयर हैं माइनस है तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस फाइव वाई और एक्स माइनस फाइव स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट वन आगे इसका पार्ट टू है और वो है एक्स और एक्स माइनस वन और साथ है स्टूडेंट माइनस वाई और वाई माइनस वन ले पहले इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं उसके बाद इसके हम फैक्टर बना लेंगे x का स्केयर माइनस एक्स माइनस वाई का स्केयर माइनस माइनस प्लस वाई ले स्टूडेंट यहाँ पे स्केयर अलग कर लें और दूसरे अलग कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स का स्केयर माइनस वाई का स्केयर दूसरा आ गया माइनस एक्स प्लस वाई अगर हम स्टूडेंट इसको देखें ज़रा यहाँ पे तो ये एक्स का स्केयर माइनस वाई का स्केयर तो यहाँ पे आ जाएगा एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस तो स्टूडेंट माइनस है तो ये साइन क्या हो जाएंगे चेंज जब भी बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं अब असर एक ये है हमारे पास और एक ये है अगर इनमें से कामन लें तो वो आता है हमारे पास एक्स माइनस वाई कामन यहाँ पे क्या बच गया एक्स प्लस वाई यहाँ पे कामन तो जहाँ पे सब कुछ कामन चला जाए वहाँ पे स्टूडेंट क्या बच जाता है वन स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट टू आगे क्वेश्चन नंबर फोर पार्ट थ्री है स्टूडेंट और वो है हमारे पास वन ट्वेंटी एट ए एम का स्केर माइनस टू फोर्टी टू ए एन का स्केयर अब देखिए स्टूडेंट ये इसमें से अगर हम देखें तो टू पे ये भी जा, हो जाता है और ये भी ए भी दोनों में कामन है तो यहाँ पे जो कामन ले लेंगे वो ले लेंगे टू ए टू सिक्स जार टू फोर और यहाँ पे एम का स्केयर टू वन जार टू 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 जार फोर टू वन जार टू और एन का स्केयर नेक्स्ट में टू ए कामन जो कामन है वो साथ ही चलता रहेगा टू ए ब्रैकिट ये हो गया सिक्सटी फोर एट m का होल स्केयर और ये हो गया अलेवन एन का होल स्केयर नेक्स्ट में टू ए कामन अब दोनों स्केयर सेंटर में माइनस तो एक दफ़ा इसको प्लस लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस जब भी कोई चीज़ स्केयर हो दोनों वैल्यू सेंटर में माइनस आ जाए तो उसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखा जाता है वो फार्मूला मैंने इसलिए यह लिखा हुआ ताकि आप लोगों को आसानी हो क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट फोर है स्टूडेंट वो है थ्री एक्स माइनस टू थ्री एक्स का क्यूब इसमें से कामन देखें तो थ्री भी कॉमन और एक्स भी कॉमन यहाँ पे वन थ्री एट ट्वेंटी फोर वन एक्स का स्केयर नेक्स्ट स्टूडेंट अब थ्री एक्स कामन साथ चलेगा बड़ी ब्रैकेट डाल लें वन का स्केयर वन माइनस नाइन एक्स का स्केयर नेक्स्ट स्टूडेंट फिर ये स्केयर है और सेंटर में माइनस है तो इसको एक दफा प्लस और एक दफ़ा माइनस कर लें और यही हमारे पास क्या है आंसर और यह क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट फोर आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारे पास उसकी फैक्टराइजेशन करनी है और उसके सिक्स पार्ट हैं एक स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फाइव पार्ट वन है हमारे पास एक्स का स्केर माइनस वाई का स्केयर माइनस सिक्स वाई आप देखें यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना होगा फिर आपको समझ आ जाएगी इसमें देखें तो x का स्केयर जो है वो एक दफ़ा है y का स्केयर और y जो चीज़ एक दफ़ा होती है जैसे यहाँ पे वेरिएबल भी हो उसके साथ तो वो हम अलग कर लेंगे और बाकी जो तीन होंगे वो अलग कोई भी जहाँ पे वेरिएबल कोई भी अकेला होगा वो अलग और जो दो होंगे वो क्या हो जाएंगे अलग हो जाएंगे यहाँ पे स्टूडेंट अगर देखिए तो हमारे पास एक्स स्केयर जो है वो अकेला है माइनस कामल लेके तो बाकी सारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज नेक्स्ट स्टूडेंट एक्स का स्क्वायर है ये स्क्वायर ही रहेगा इसी तरह चलता रहेगा इसको एक्स का स्केयर लिख लें तो यहाँ पे अगर देखें फार्मूला जो हमने किया था ए प्लस बी होल स्केयर ए स्केयर माइन प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर और ए माइनस बी का जो हमने पीछे किया है ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर तो यहाँ पे देखिए तो ये हमारे पास वाई स्केयर माइनस टू वाई और नाइन किसका स्केयर है थ्री का नेक्स्ट स्टूडेंट ये हो गया एक्स का होल स्केयर और ये बन गई वाई माइनस है तो माइनस थ्री का होल स्केयर अब जरा देखें ये भी स्केयर है स्टूडेंट और ये भी अब ये देखें ये दोनों ये एक ही वैल्यू है ये होल स्केयर है और सेंटर में क्या है माइनस तो इसको हम क्या करेंगे एक दफा लिखेंगे प्लस और इसको क्या करेंगे एक दफ़ा लिखेंगे माइनस नहीं स्टूडेंट एक्स प्लस में कोई भी साइन चेंज नहीं होता तो सेम और बाहर माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज तो ये एक्स प्लस वाई प्लस थ्री और एक्स माइनस वाई प्लस थ्री ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट वन था क्वेश्चन नंबर फाइव पार्ट टू में हम देख लेते हैं वो हमारे है पास स्टूडेंट एक्स का स्केयर माइनस ए का स्केर प्लस टू ए प्लस वन सॉरी माइनस वन है अब देख सो इसमें तो वेरिएबल जो है वो एक्स है और ए है एक्स अकेला है ए टू टाइम है तो एक्स हम अलग ही रखेंगे इसको अलग कर लेते हैं माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज नहीं उसी तरह सेम ये क्वेश्चन भी है यहाँ पे ए का स्केयर माइनस टू ए और बी तो वन का स्केयर स्टूडेंट क्या होता है वन ही होता है टू मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी ये हो गया x का होल स्केयर तो यहाँ बच गया a माइनस वन का होल स्केयर ये भी स्केयर है ये भी स्केयर है सेंटर में माइनस तो इसको एक दफ़ा प्लस सॉरी ये माइनस है और एक दफ़ा माइनस लिखेंगे अब प्लस में कोई भी साइन चेंज नहीं होता तो जैसी रकम होती है वो स्टूडेंट वैसी लिख दी जाती है लेकिन जब बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज नेक्स्ट स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट टू था आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फाइव पार्ट थ्री करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पार्ट थ्री है फोर एक्स का स्केयर फोर एक्स का स्केयर माइनस वाई का स्केयर माइनस टू वाई माइनस वन अब इसको से देखें तो वेरिएबल एक्स है वाई है तो एक्स जो है वो एक दफ़ा है वाई दो दफा तो ये तीन अलग और ये अलग हो जाएगा फोर एक्स का स्केयर माइनस वाई का स्केयर बाहर माइनस तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज ले स्टूडेंट ये हो गया टू एक्स का होल स्केयर यहाँ पे ये फर्स्ट का स्केयर प्लस है तो टू फर्स्ट ए यानी बी और प्लस बी का स्केयर ये टू एक्स का होल स्केयर बनता है स्टूडेंट तो इसको लिखेंगे वाई प्लस वन का होल स्केयर अब अच्छा फिर वही एक दफ़ा प्लस प्लस में कोई भी साइन चेंज नहीं होगा और एक दफ़ा माइनस स्टूडेंट प्लस है तो प्लस जिसा है वैसा ही लिख देंगे कोई साइन चेंज नहीं और यहां पे बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट थ्री क्वेश्चन नंबर फाइव पार्ट फोर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट फोर स्टूडेंट एक्स का स्केर माइनस वाई का स्केयर माइनस फोर एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री अब वेरिएबल हमने देखा तो एक्स भी दो दफ़ा है वाई भी दो दफ़ा और वैल्यू चार की बजाय कितनी हो गई हैं पाँच अब हमने देखना है कि अब ऐसा क्या करें कि ये दोनों जो हैं वो कंप्लीट स्केयर बन जाएं तो हमने अगर एक्स की वैल्यू लिखें तो ये हो गई एक्स का स्केयर माइनस फोर एक्स अगर देखे स्टूडेंट अगर इस, इसी को मैं सॉल्व करूं तो ये मैंने लिखा फर्स्ट का स्केयर माइनस टू मल्टीप्लाई फर्स्ट तो कौन सी वैल्यू ऐसी होगी जो सेकंड करें तो ये फ़ोर बन जाए तो माइनस टू और अगर यहाँ मैं मैं टू लिखूँ तो टू टू जर माइनस फोर तो इसका मतलब जो सेकंड होगी वो टू का स्केयर होगी तो टू का स्केयर क्या होता है फोर तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे फोर लगा दिया जाए तो फिर हमारे पास क्या होगा क्वेश्चन ठीक होगा लेकिन ऐसा तो नहीं है हम फोर लगा दें फैक्ट्राइजेशन का मतलब अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें या प्लस माइनस करें तो सेम वही वैल्यू दोबारा आ जाए तो फिर करें क्या करेंगे अगर देखें बाकी माइनस वाई का स्केयर माइनस टू वाई और माइनस वन अब ये माइनस वन पहले नहीं था अभी लगाया क्योंकि यहाँ पे फोर हुआ है तो फोर में से अगर वन निकाल दे तो बाकी फिर क्या बचेगा थ्री इसको सॉल्व करेंगे तो दोबारा फिर यही चीज़ फैक्टराइजेशन होती है जितने मर्जी स्टेप हों आप करते जाएं जब जा, जैसे ही आप उसको मल्टीप्लाई प्लस और माइनस करेंगे तो दोबारा फिर वही चीज़ आ जाती है अब सुन आई होप के समझ आ गई होगी कि ये फोर कैसे लगाया है मैंने तरीका बता दिया और इसी को पूरा करने के लिए हमने इसमें से माइनस वन कर दिया नेक्स्ट स्टूडेंट ये है एक्स का स्केयर माइनस फोर एक्स प्लस फोर माइनस है तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज इसमें स्टूडेंट देखें अगर हम लोग स्केयर देखें तो ये हो गया फर्स्ट स्केयर माइनस टू फर्स्ट सेकंड और ये हो गया टू का स्केयर तो फर्स्ट स्टूडेंट एक्स है और सेकंड क्या है टू माइनस है यहाँ पे भी फर्स्ट स्केयर प्लस टू फर्स्ट सेकंड वन ही रहेगा प्लस सेकंड स्केयर तो इसको देखें तो ये बन जाएगा x माइनस टू होल स्केयर और ये बनेगा y प्लस वन का होल स्केर वही चीज़ें जो पीछे हम कर रहे हैं अब स्टूडेंट दोनों स्केयर हैं फिर माइनस सेंटर में तो एक दफ़ा x माइनस टू प्लस वाई प्लस वन एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा x माइनस टू एक दफ़ा माइनस अब स्टूडेंट प्लस में तो जैसा है वो वैसा ही एक्स माइनस टू प्लस वाई प्लस वन और जो माइनस होगा उसमें अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज इसको रेंज कर लेते हैं एक्स प्लस वाई माइनस वन प्लस वन माइनस वन एक्स माइनस वाई माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री नेक्स्ट स्टूडेंट ये हमारे फैक्टराइजेशन है अगर इसी चीज़ को हम दोबारा मल्टीप्लाई करके देखें तो दोबारा ये चीज़ आ जाती फैक्टराइजेशन मैंने बताया था स्टार्ट में 5.1 के कि किसी भी चीज़ को जब दोबारा एक्सप्रेशन के फैक्टर बनाते हैं उसको मल्टीप्लाई करें तो दोबारा एक्सप्रेशन वही बन जाए तो इसको फैक्ट्राइजेशन कहते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट फोर था आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट फाइव हम करेंगे और फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट फाइव है वो देख रहे हैं हमारे पास और उसकी वैल्यू है हमारे पास स्टूडेंट ट्वेंटी फाइव एक्स का स्केयर फाइव का फाइव ट्वेंटी फाइव एक्स का स्केयर माइनस टेन एक्स प्लस वन माइनस थर्टी सिक्स जी का स्केयर वो तो यहाँ पे देखें अगर हमारे पास वेरिएबल एक्स है तो ये दो दफ़ा है और जी एक दफ़ा है तो ये अलग हो जाएंगे और जी अलग कर लेंगे ट्वेंटी फाइव एक्स स्केयर माइनस टेन एक्स प्लस वन और माइनस थर्टी सिक्स जी का स्केयर अफलो यहाँ पे देख ले स्केयर हमारे पास है फाइव एक्स का स्केयर माइनस टू फर्स्ट एंड सेकेंड प्लस सेकेंड क्या है वन और 36 जो है वो 6z का होल स्केयर है ये देखिए फर्स्ट क्या है 5x और सेकंड क्या है वन फाइव टू जार टेन एक्स तो ये बन गया 5x एक्स माइनस वन का होल स्केयर और ये है 6z का होल स्केयर यह स्टूडेंट फिर दोनों स्केयर सेंटर में माइनस 5x एक्स माइनस वन प्लस सिक्स जी फाइव एक्स माइनस वन माइनस सिक्स जी अब फिर इसको अरेंज करना है तो आप अरेंज करके लिख दें ऐसे भी आंसर ठीक हो जाएगा अगर अरेंज करना है तो फाइव एक्स प्लस सिक्स जी माइनस वन फाइव एक्स माइनस सिक्स जी माइनस वन ऐसे भी लिख सकते हैं अगर नहीं करना तो उस तरह भी ठीक होगा क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट सिक्स है स्टूडेंट और वो है हमारे पास एक्स का स्केयर माइनस वाई का स्केयर माइनस फोर एक्स जी प्लस फोर जी का स्केयर तो अगर यहाँ पे देखें हमारे पास एक्स का स्केयर वाई का स्केयर जी का स्केयर और एक्स जी है इसका मतलब है एक्स और जी ये दोनों रिपीट हो रहे हैं और वाई यहाँ पे अकेला है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स का स्केयर माइनस फोर एक्स जी प्लस फोर जी का स्केयर और अकेला क्या है वाई का स्केयर उसको अलग अब देखिए ये किस चीज़ का स्केयर है ये एक्स का स्केयर माइनस टू फर्स्ट और सेकंड और ये है टू जी का होल स्केयर और ये है वाई का स्केयर फर्स्ट क्या है स्टूडेंट एक्स और सेकंड क्या है टू जी टू टू जर फोर एक्स और जी ये पूरा हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस टू जी होल स्केयर माइनस वाई का होल स्केयर अब दोनों स्केयर सेंटर में माइनस एक्स माइनस टू जी प्लस वाई एक्स माइनस टू जी माइनस वाई अरेंज करके भी लिख सकते हैं एक्स वाई और जी अगर ऐसे लिखेंगे तो फिर भी ठीक है नहीं तो अगर अरेंज करना है तो एक्स माइनस प्लस वाई माइनस टू जी एक्स माइनस वाई माइनस टू जी स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट सिक्स और ये एक्सरसाइज़ का लास्ट क्वेश्चन था नेक्स्ट स्टूडेंट फाइव पॉइंट वन आज कंप्लीट हो गई इसको दो पार्ट में तकसीम किया पहले पार्ट में फर्स्ट से लेकर थ्री तक और सेकंड में फाइव और सिक्स उम्मीद है मुझे आपको ये फैक्टराइजेशन की समझ आ गई होगी आज के लिए इतना ही अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़